अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आपको, हमको, हम सबको अल्लाह अच्छा रखे, हम सबके जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। और जो जो आप लोग जो दुआ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबके जायज़ दुआएं कबूल करे, अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको बकरीद स्पेशल सिंपल मटन बता रही हूँ, मैं ग्रेवी वाला थोड़ा सा। इसके लिए ली हूँ मैं ऑयल 30 ml, ये असली की है, 1 teaspoon डालना है। एक दालचीनी का पीस, 2 इलायची और हरी मिर्ची तोड़ के डाल देंगे इसके अंदर। फ्लेम कम रखी हूँ मैं। असली घी कैसा भी डालना रहेगा, 1 teaspoon। हरी मिर्ची 3 डाली, काली करना नहीं है। यहाँ मेरे पास 400 ग्राम हड्डी वाला मटन है। इसके अंदर डालेंगे 1/4 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon हल्दी। और मैं नमक कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास अदरक लहसुन में नमक दिया था। 1/2 teaspoon जिंजर गार्लिक पे, फुल नहीं ली मैं एकदम। आप इसको पूरा पानी सुखाना है, उसके बाद पानी डाल के गलाना है। पहले पानी सुखा लेना है। ये बहुत टेस्टी रहता है ये, और ये जुमला 4 आदमी का है। लौंग नहीं डालना है इसके अंदर, शाजीरा नहीं डालना है, खाली इलायची और दालचीनी डालना है। और गरम मसाला पाउडर नहीं जाएगा इसमें, मैं थोड़ी इलायची पीस के डालूंगी इसके अंदर। आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से 10 मिनट से मिलती हूँ, मगर मैं छोड़ देना नहीं है, इसको भूनते रहना। पूरा अच्छे से खाली सूख गया इसका, ऑयल है खाली इसमें। अब एक कप पानी डाल दूंगी, मिर्ची नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, और इसका गोश्त अच्छा सॉफ्ट हो जाना रहता। 5 सीटी दूंगी, फिर आप लोगों से। ये फर्स्ट स्टेप है, ये अभी गर्म है जब तक ये पीस लेंगे। ये सेकंड स्टेप है, ये दही है 250 ग्राम, एकदम घट लेना है, पानी की व्यवस्था नहीं लेना है। और इसमें 5-6 इलायची, 2 teaspoon हरा धनिया है, और 1 हरी मिर्ची, हरी ये ग्राइंड कर लूँगी दही के साथ। एक कप पानी डालेंगे, अब इसको हटा देंगे। गैस ऑफ है, ये पूरा इसमें डाल देना है। ये दही, हरी मिर्ची, कोतमीर और इलायची पीसेस हो है, ये इसमें डाल देना है। लाल मिर्ची नहीं डालना है इसमें, लौंग नहीं डालना है, शाजीरा नहीं डालना है। मैं ये ईद है बोल के आप लोगों को बता दे रही हूँ। और बोनलेस मटन में भी बना सकते हैं आप, हड्डी में भी बहुत अच्छा दिखता। और ये जैसा समर सीजन है ना, उस हिसाब का है ये मटन। मिर्ची अपने हिसाब से लगे, और उतना स्पाइसी भी अच्छा नहीं दिखता। इसको हिलाते रहूंगी मैं क्योंकि दही फटना शुरू हो जाता वैसे ही छोड़ दिए तो। इसके अंदर प्याज नहीं डलती, प्याज डले तो दम के गोश्त का मजा आता है इसमें। प्याज डालेंगे विदाउट मसाले का जो रहता ना दम का गोश्त, उसका मजा आता है इसमें। जिसमें काजू चिरौंजी जो डालते ना दम के गोश्त या दम के चिकन में, उसका मजा आता। ये दम का मजा नहीं आना है इसके अंदर। मेरे चैनल पे नहीं था इसलिए, ईद का जमाना अब आ जाता ना देखे देखे तक। और कौन लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करिए आगे बढ़ाइए। अब इसमें डाल दूंगी मैं अमूल क्रीम 1 कप। पुदीना नहीं डालना है, पुदीना डालने से कलर चेंज हो जाता है।
अब इसको मैं कम फ्लेम पे 15 मिनट पकाऊंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी। ये बिल्कुल सिम पे है, इतनी ग्रेवी रखूंगी और वहाँ निकलना है अपने को, न तो टेस्ट नहीं आएगा। और ये पुलाव से, फ्राइड राइस से बहुत टेस्टी दिखता, रोटी से तो बहुत अच्छा ही दिखता। काजू राइस, घी राइस। अब गैस बंद कर दूंगी। मटन बन के तैयार है, ये ईद स्पेशल है। और जैसा मैं असल घी डालिए ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता, क्रीम भी बहुत ज़रूरी है। और मिर्ची अपने हिसाब से रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।